subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button. Tag TV brings you daily news bulletin from Pakistan. Breaking news, views and headlines from Pakistan. Tag TV ke Pakistan studio mein aapko kahenge khushyamdeed. Ek China se abhi tak corona case Pakistan mein nahi aaya. किसी जर्नैल से सवाल पूछो तो कौमी सलामती के ऊपर हमला। अब मैंने इनके पीछे जाना, अपना ना लायकी को छुपाना, अपना मुआशी दहशत गर्दी को छुपाना। तो उम्मा के मुहाफिजों ने बहुत सी इन्वेस्टमेंट कर रखी है वहाँ। डू नॉट लिव इन अ फूल्स पैराडाइज। बुशरा खान, सारा तना कादिर, कौकब फारूकी, नरजी ज़ुल्फिकार, तूबा शकील, टैग टीवी पाकिस्तान। अस्सलामुअलैकुम, टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से मैं हूं बुशरा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। कोरोना वबा से मजीद 5 अफराद लोकमय अजल बन गए। जाबहक अफराद की तादाद 6479 तक जा पहुंची, जबकि कोरोना के फाल केसेस की तादाद 8903 हो गई। पाकिस्तान में तालीमी इदारे खोलने के बाद तमाम मराहिल मुकम्मल कर लिए गए। मुल्क भर में प्राइमरी स्कूल भी खुल गए। NCOC का कोरोना वायरस के केसेस की शरह में इजाफे पर इजहार तशवीश। मावन खसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान की जानिब से स्मार्ट लॉकडाउन की तजवीज़। नैब का मकसद सिर्फ सियासतदानों और वज़रा को बेइज्जत करना है। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं मुल्क में जमहूरियत के लिए जगह तंग की जा रही है। नवाज शरीफ ने लंदन जाकर वादा खिलाफी की, बिल्कुल सेहतमंद है, वापस आना चाहिए। यास्मीन राशिद कहती हैं अदालत ने नवाज शरीफ को मफरूर करार दे दिया है। ग्रीनिश हैंड सैनिटाइजर ना ऑयली ना स्टिकी ना बदबू और मुकम्मल अब्सॉर्प्शन और हाथ नरम मुलायम और साफ। आज ही अपनी करीबी फार्मेसी से खरीदें या हमारी वेबसाइट पर ऑर्डर करें www.greenish.com। मुल्क भर में कोरोना के 747 नए केसेस और 5 अमवात रिपोर्ट हुई हैं, जबकि कोरोना के मजमूई केसेस की तादाद 3,12,263 हो गई है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। मुल्क भर में कोरोना के 747 नए केसेस और 5 अमवात रिपोर्ट हुई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी करदा अदाद शुमार के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना के गुज़िश्ता रोज में 747 नए केसेस रिपोर्ट हुए और 5 अमवात रिपोर्ट हुई, जिसके बाद मुल्क भर में कोरोना के मजमूई केसेस की तादाद 3,12,263 और अब तक कोरोना से जहांबाग अफराद की तादाद 6,779 हो गई। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना के फाल केसेस की तादाद 8,903 है। मुल्क भर में अब तक 2,96,881 अफराद सेहतियाब हो चुके हैं। सिंध में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 1,36,795 हो गई। पंजाब में 99,378 और खैबर पख्तूनख्वा में 37,766। इस्लामाबाद में 16,581 और बलूचिस्तान में 15,200। आजाद कश्मीर में 2,279 और गिलगित में 3,788 तादाद हो गई। कोविड-19 केसेस कम होने के बाद प्राइमरी क्लासेस में तदरीसी अमल का आगाज हो गया। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद का कहना है कि 6 माह बाद स्कूल खोलना इमरान खान की कामयाबी का मजर है। मजीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान में तालीमी इदारे खोलने के तमाम मराहिल मुकम्मल कर लिए गए। आज से मुल्क भर में प्राइमरी स्कूल भी खुल गए। प्राइमरी स्कूल खुलने पर मिला जुला रद्द अमल सामने आया और बेशतर वालदैन ने बच्चों को स्कूल भेजने से गुरेज किया। वालदैन ने कहा प्राइमरी स्कूल के बच्चे SOPs पर अमल में मुश्किल का शिकार होते हैं, जबकि बास वालदैन ने प्राइमरी के बच्चों के हवाले से ऑनलाइन क्लासेस को तरजीह दी। ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला बरकरार रहेगा। NCOC ने असातिज़ा बच्चों और अमले के लिए समाजी फासला यकीनी बनाने की हिदायत, सैनिटाइजर और मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार दिया, जबकि तालीमी इदारों में एहतियाती तदाबीर का खास ख्याल रखा गया है। इस हवाले से वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद ने कहा कि 6.5 महीने के बाद प्राइमरी स्कूल के बच्चे स्कूल आए, आज मुबारक दिन है कि तमाम तालीमी इदारे खोलने में कामयाब हुए। वफाकी वजीर तालीम का कहना था कि बच्चों का तालीमी खर्च हो चुका है, मजीद ऐसा नहीं चाहते। खान साहब की कामयाबी का मजर है कि तमाम स्कूल खुल चुके हैं। सरकारी स्कूलों का दौरा किया, बच्चे SOPs पर अमल करते नजर आए। शफकत महमूद ने कहा कि बच्चों की स्कूलों में हाजिरी बताती है कि वालदैन मुतमईन हैं और छोटे
के बच्चे भी SOPs पर अमल दरामद कर रहे हैं। वालदैन को यकीन दिलाता हूँ कि बच्चों की सेहत का खास ख्याल रखा जाएगा, पहले से ज्यादा टेस्टिंग होगी, SOPs पर अमल न करने वाले स्कूल के खिलाफ कार्रवाई होगी। दूसरी तरफ बलूचिस्तान में भी तालीमी इदारे खोलने का तीसरा मरहला मुकम्मल हो गया। कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में प्राइमरी सेक्शन खुल गए। बलूचिस्तान में आज से 12,218 प्राइमरी स्कूल्स में तदरीसी अमल का आगाज कर दिया गया। पहले दिन स्कूलों में बच्चों की तादाद मामूल से कम दिखाई दी, तहम स्कूलों में SOPs पर सख्ती से अमल दरामद किया गया। बगैर मास्क के तलबा, असातिज़ा और स्कूल अमले को स्कूल में दाखिल होने नहीं दिया गया। सूबाई वजारत तालीम की जानिब से हिदायत भी सामने आई, जिनके मुताबिक मुतासर अफराद को 14 अयाम के लिए करंटीना में रखा जाएगा और मनफी रिपोर्ट के बाद दोबारा क्लास में शामिल हो सकेंगे। SOPs पर अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने कराची में कोरोना वायरस के केसेस की शरह में इजाफे पर तशवीश का इजहार किया है। मौवन खसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा है कि कोरोना वबा को रोकने के लिए स्मार्ट लॉकडाउन किया जाए। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर NCOC ने कराची में कोरोना वायरस के केसेस की शरह में इजाफे पर तशवीश का इजहार किया। मौवन खसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा कि कोरोना वबा को रोकने के लिए स्मार्ट लॉकडाउन किया जाए। तफसीलात के मुताबिक नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर में कोरोना सूरत हाल के हवाले से इजलास हुआ, जिसमें कराची कोरोना केसेस की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। ब्रीफिंग में बताया गया कि कराची में कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। मुल्क में कोरोना के 747 केसेस में से 365 सिर्फ कराची के हैं, जो इंतहाई तशवीशनाक बात है। NCOC के इजलास में कराची में कोरोना वायरस के केसेस की शरह में इजाफे पर तशवीश का इजहार किया गया है। मुआवन खसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा कि कोरोना वबा को रोकने के लिए स्मार्ट लॉकडाउन किया जाए। मुतासरीन तक रसाई और हेल्थ प्रोटोकॉल से ही वायरस रोका जा सकता है। सेक्रेटरी हेल्थ सिंह ने ब्रीफिंग में कहा कि शहर इंतजामिया सूरत हाल मॉनिटर कर रही है, स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से मुनासिब इंतजाम किए जाएंगे। दूसरी जानब कराची इंतजामिया भी हरकत में आ गई। सिंध हुकूमत ने कोरोना मुतासरीन में इजाफे के बाद माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। इस हवाले से महकमा सेहत ने डिप्टी कमिश्नरों, एडिशनल IG और SSP पुलिस को लिखे गए खत में कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराने और कोरोना से ज्यादा मुतासर इलाकों में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन लगाने की हिदायत कर दी। खत में कहा गया कि माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन के लिए इलाकों में पुलिस तैनात की जाए। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि जब तक नैब होगा इस मुल्क में कोई काम नहीं होगा। आज मुल्क में जमहूरियत पसपा हो रही है और ये खौफनाक बात है। किसी मुल्क ने जमहूरियत के बगैर तरक्की नहीं की, हम भी नहीं कर सकेंगे। मज़ीद हवाले इस रिपोर्ट में। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि ये सारी सियासी इंजीनियरिंग है, जब तक नैप होगा इस मुल्क में कोई काम नहीं होगा। नैप रावलपिंडी में पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए रहनुमा नून लीग और साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि पाकिस्तान में गिरफ्तारी किसी भी वक्त हो सकती है। शहबाज शरीफ का ट्रायल चल रहा है, फिर भी गिरफ्तार कर लिया गया। ये सब सियासी इंतकाम का सिलसिला है। नैप ने MD खलद लगाने का इल्ज़ाम लगाया। आज पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला 6 साल कबल PMDC के MD की तैनाती है। उनका कहना था कि हमारी सारी तैनातियाँ गलत हैं, बस एक तैनाती ठीक है, वो चेयरमैन नैब की तैनाती। हमारे दौर हुकूमत में चेयरमैन नैब के अलावा अगर तमाम तैनातियाँ गलत हुई हैं तो सब तैनातियों पर केस बनाकर तमाशा बंद करें। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि नैब का मकसद सिर्फ सियासतदानों और वज़रा को बेइज्जत करना है। जो सरकारी अफसर ईमानदारी से रिटायर हो गया, इसे नैब में घसीटा जा रहा है। मुल्क में जमहूरियत के लिए जगह तंग की जा रही है। आज मुल्क में जमहूरियत पसपा हो रही है और ये खौफनाक बात है। किसी मुल्क ने जमहूरियत के बगैर तरक्की नहीं की, हम भी नहीं कर सकेंगे। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि ये सारी सियासी इंजीनियरिंग है, मुझे गिरफ्तार करना है तो कर लें, लेकिन मुल्क को चलने दें, क्योंकि जब तक नैब होगा इस मुल्क में कोई काम नहीं होगा। उनका कहना था कि एहतजाज करना हमारा जमहूरी हक है। नैब नहीं वक्त बताएगा कि अवाम इस वक्त परेशान है और इस हुकूमत से निजात चाहते हैं। वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना है कि इंसानी हमदर्दी पर नवाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने दिया। कायद नून लीग ने रिपोर्ट्स शेयर करने का वादा किया। नवाज शरीफ ने लंदन जाकर वादा खिलाफी की और हुकूमत को अपनी रिपोर्ट्स नहीं भेजी। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, हमने नवाज शरीफ के इलाज के लिए मुकम्मल सहूलियात दी। साबिक वजीर आजम के लंदन जाने के बाद हमारे पास उनकी कोई रिपोर्ट नहीं आई। इंसानी हमदर्दी पर नवाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने दिया, उन्होंने लंदन जाकर भी इलाज नहीं कराया, घर ही में बैठे हैं। नवाज शरीफ को अदालत ने मफरूर करार दे दिया है। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा, जिन अद्वियात की कीमतें बढ़ी हैं उनकी तफसीलात शेयर की जाएंगी। 2003 के बाद अद्वियात की कीमतें नहीं बढ़ाई गई। डॉलर की कीमत बढ़ी है और महंगाई होने से अद्वियात में किल्लत का सामना था। हुकूमत पूरी कोशिश रही है, जो अद्वियात नहीं खरीद सकता उनकी मुआवनत की जाए। कोशिश कर रहे हैं लोगों को उनके घरों तक अद्वियात की फरहामी यकीनी बनाई जाए। मजीद खबरों को भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे इस ब्रेक के बाद। कनाडा में आपके पास डॉक्टर और लॉयर होना बहुत जरूरी है।
हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसा नाम जो है रिलायबल, ट्रस्टवर्दी एंड ऑनेस्ट, लॉ फर्म ऑफ शिखा शारदा, 905-956-6699 पर फैमिली लॉ, रियल एस्टेट, विल्स और किसी भी तरह के एफिडेविट या पैरा लीगल प्रॉब्लम्स के लिए लॉ फर्म ऑफ शिखा शारदा 905-956-6699 पहली कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री है। कॉल लॉयर शिखा शारदा 905-956-6699 मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का कहना है कि हमें फख्र है हमारे साथी जुर्रत से हालात का मुकाबला कर रहे हैं, जो कुछ हो रहा है इससे हमारे जज्बे और बढ़े हैं, इंशाल्लाह हम अपनी जद्दोजहद मजीद तेज करेंगे। मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी CEC से खिताब करते हुए नवाज शरीफ ने कहा कि शहबाज शरीफ के साथ सलूक पर दुखी हूँ, शहबाज शरीफ ने बेमिसाल जुर्रत और बहादुरी और इस्तकलाल का मुजाहरा किया। बहुत अफसोस है जो शहबाज साहब के साथ कल सलूक किया गया है और मैं यानी कि इस मामले में बहुत दुखी हूं, लेकिन इससे हमारा जज्बा और भी ज़्यादा बुलंद होता है कि हम अपनी जदोजहद को और तेज़ करें, उसको और मुस्तकम करें और उसको और मजबूत करें। नवाज शरीफ ने कहा कि शहबाज शरीफ को सैल्यूट करता हूं कि उन्होंने दयानतदारी से कौम और मुल्क की खिदमत की। शहबाज शरीफ ने पंजाब में दिन रात मेहनत करके बिजली के कारखाने लगाए। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ और शाहिद खाकान अब्बासी और टीम के सर कामयाबियों का ये सहरा जाता है। साबिक वजीर आजम ने कहा कि इसहाक डार ने वसाइल मुहैया किए, कौम की खिदमत पर इस टीम को खराज तहसीन पेश करता हूँ। उन सरकारी अफसरान को भी सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने तवानाई की किल्लत खत्म करने में किरदार अदा किया। नवाज शरीफ ने कहा कि बातिल के खिलाफ खड़े हैं तो पीछे मुड़कर नहीं देखना, ये हमारे दीन की तलकीन है। उन्होंने कहा कि मुश्किल को बर्दाश्त करके किरदार अदा करेंगे तो कौम को तमाम मुसीबतों से निजात मिल जाएगी। हमारे बच्चों के साथ जो सुलूक हो रहा है, तारीख में ऐसा सिया रवैया नहीं हुआ। जो हमारे बच्चों के साथ जो सुलूक किया है, मुझे उसका भी बड़ा दुख और अफसोस है। तो ये पहली बार ये सारे मनाजर ये हमें देखने में आ रहे हैं। Subscribe TAG TV YouTube channel and press the notification button.